गुब्बारा मिला है और उससे हड़कंप मच गया है। गांव के बनारसी दास पुत्र रामदास ने पुलिस को सूचना दी। गुब्बारे पर अंग्रेजी भाषा में PIA और उर्दू में लिखा हुआ है कुछ। सूचना पर SI भूम सिंह ने मौके पर पहुंचकर गुब्बारे को कब्जे में लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और राजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजू, क्या कुछ जानकारी इस गुब्बारे को लेकर? एक और गुब्बारा मिला है और PIA लिखा है इस पे और अंग्रेजी भाषा में भी कुछ लिखा हुआ है। जी, मैं News 21 के दर्शकों को बता दूं कि रायसीना क्षेत्र के गांव सजंडा के नजदीक पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया और जैसे ही सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी तो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के द्वारा SI भूम सिंह मौके पर पहुंचे और पाकिस्तानी गुब्बारे को अपने कब्जे में लिया। तो फिलहाल इसके बस गुब्बारे के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? पुलिस को सूचना दे दी गई है, पुलिस क्या कुछ कह रही है और कितने बजे ये गुब्बारा मिला? जी मैडम, आपको बता दूं कि ये पाकिस्तानी जो गुब्बारा है, आए दिन वैसे भी बॉर्डर क्षेत्र का मामला है और पाकिस्तानी गुब्बारे यहाँ पर आते रहते हैं, लेकिन जैसे ही किसान को सूचना मिली उसने पुलिस को सूचना कर दी और पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ठीक है राजू, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो रायसिंह नगर से ये खबर आपको बता रहे थे जहां पर सतजंडा गांव की रोही में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है और उससे हड़कंप मच गया है। हालांकि जो गांव के बनारसी दास पुत्र रामदास हैं उन्होंने पुलिस को सूचना दी। गुब्बारे पर अंग्रेजी भाषा में PIA और उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, उसको डिकोड करने की भी अब कोशिश की जा रही है पुलिस की ओर से और सूचना पर ASI भूम सिंह ने मौके पर पहुंचकर गुब्बारे को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।